दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा, क्योंकि पाकिस्तान 16 अप्रैल 1984 से सियाचिन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू करने वाला था, लेकिन भारत को ये बात का पता चल गया था, इसलिए भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ही मेघदूत ऑपरेशन शुरू कर पाकिस्तान के ऑपरेशन को मात दे दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि भारत के वीर सियाचिन पर कितनी कड़ी मेहनत करके अपने देश को पाकिस्तान की बुरी नजरों से बचाकर रखे हैं। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर हर समय 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इस -60 डिग्री वाले तापमान में भारतीय जवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारतीय सेना के जवान काफी दुर्गम स्थानों पर अपनी जान जोखिम में रखकर सेना पर तैनात रहते हैं। ये जवान सियाचिन में डटकर देश की सेवा करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि जवान वहाँ कैसे रहते हैं और किस तरह का खाना खाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेट्रोलिंग टीम को तड़के बेस कैंप से निकलना पड़ता है ताकि 8 से 9 बजे तक चोटी पर पहुंचा जा सके। इससे बर्फ पिघलने के खतरे से बचने की आसानी होती है। ऊंचे दुर्गम इलाकों में चढ़ाई करते समय जवानों के साथ कई किलो वजनी बैग होता है और शरीर पर कई परतों वाला कपड़ा होता है। चोटी पर पहुंचते जवान पसीने से तत्पर होते हैं और स्थिति ये हो जाती है कि माइनस वाले तापमान होने के कारण शरीर पर पसीना भी जम जाता है। 0 से 60 डिग्री तक नीचे तापमान में खाने पीने की बहुत मुश्किल होती है। जवानों को कैन या टीन के डिब्बे में पैक्ड खाना दिया जाता है। इसमें ज्यादातर लिक्विड होता है जिसे खाने या पीने से पहले आग पर गर्म कर पिघलाना पड़ता है। आप देख सकते हो एक फ्रूट जूस कैसे पत्थर की तरह जम गया है और जैसे एक पत्थर जो हैमर से मारने के बाद भी नहीं टूट रहा है। इन मुश्किलों से बचने के लिए जवानों को सूखे मेवे दिए जाते हैं जिन्हें खाने के लिए पिघलाने की जरूरत नहीं होती। पीने की पानी की दिक्कतें होती हैं जिसे बर्फ को ही पिघलाकर पीना होता है। यहाँ तक कि टॉयलेट या नहाने के पानी के इस्तेमाल के लिए होने वाला पानी भी स्टोव पर रखा जाता है ताकि वो पिघले रहे। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी का बड़ा असर नींद पर देखा जाता है। जवान ठीक से नींद नहीं पूरी कर पाते जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सियाचिन के मोर्चे पर डटे जवानों को एक साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता। मेटल के संपर्क में आते ही कोई भी खुला अंग जम जाता है जिससे हिपोथर्मिया हो जाता है और उस अंग को काटना पड़ता है जिसे सही कर पाना काफी मुश्किल होता है। भारत का जो हेलीकॉप्टर उस ऊंचाई पर उतरता है उसे चीता का नाम दिया गया है। सेना का कहना है कि उन्हें जिन ऊंचाइयों पर रहना होता है वहां सिर्फ वही हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। चीता हेलीकॉप्टर वहां सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक दुश्मन निशाना साधेगा तब तक चीता हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा और वही 30 सेकंड में भारतीय सेना को सारी जरूरत की चीजें जैसे राशन की बोरियां, मेडिकल की चीजें ये लेनी होती है। तो दोस्तों सियाचिन में रहकर हमारे दुश्मनों से सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए